गाइज मैं आपको बता दूं कि आजकल OTT प्लेटफॉर्म का बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो रहा है। हर किसी को OTT प्लेटफॉर्म देखना होता है अपने मोबाइल में या अपने PC लैपटॉप में, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो या फिर अमेजोन प्राइम हो या फिर Z5 या Hotstar। अब मुसीबत ये है कि आप सारे तो बाय एक साथ नहीं कर सकते। अगर किसी को मिर्ज़ापुर देखनी है तो अमेजोन प्राइम पे आएगी, अगर किसी को मनी हीस्ट या फिर कोई और सीरीज देखनी है तो वो नेटफ्लिक्स में आएगी, किसी को IPL देखना है तो Hotstar लेना पड़ेगा, और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो Z5 पे अवेलेबल है तो आपको उसको बाय करना पड़ेगा। तो इतने पैसे तो कोई भी खर्च नहीं करना चाहता है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिससे कि आप सारे मतलब प्लेटफॉर्म जो है उनको एंजॉय कर पाओ कम से कम पैसों में, और साथ के साथ आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा प्लान खरीदने में आपको बेनिफिट है, जिससे कि आपको पता चल पाएगा कि कौन सा बेस्ट OTT प्लेटफॉर्म है आपके लिए जो आपको बाय करना चाहिए। हाय गाइस, मेरा नाम है निखिल और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही बढ़िया वीडियोस बनाने की कोशिश करता रहता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और कुछ फ़ायदा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में आपको ऐसे ही वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि जो वहाँ पे मुझे फॉलो करते हैं ना उन सबको 4 दिन फ्री नेटफ्लिक्स दिखाया है। अभी स्ट्रीम फेस्ट चल रहा था ना उसमें, तो इसीलिए वहाँ पे भी फॉलो कर लें, बिकॉज वहाँ पे बहुत जल्दी और बहुत अच्छे अपडेट्स मैं देता रहता हूँ। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की और बेनिफिट्स की। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले बात करेंगे हम नेटफ्लिक्स की, क्योंकि नेटफ्लिक्स जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर है यंगस्टर्स के अंदर और हर कोई चाहता है नेटफ्लिक्स के सीरीज़ का मज़ा उठाना। लेकिन मैं आपको बता दूं, नेटफ्लिक्स जितना पॉपुलर है उतना ही महंगा भी है। सबसे महंगा यही है, 199 रुपीज़ का प्लान आपको मिलता है बेसिक, जो कि आप सिर्फ मोबाइल में ही यूज़ कर सकते हो अनफॉर्चुनेटली। और अगर आपको PC या लैपटॉप में देखना है तो 499 रुपीज़ का प्लान बाय करना होता है। इसकी भी मतलब कुछ कमियां हैं, ये सिर्फ एक ही स्क्रीन पे चलते हैं, मतलब ये दोनों प्लान। अगर आपको मल्टी स्क्रीन पे देखना है, मतलब जैसे कि 4 दोस्त मिलके ले लेते हैं ना, तो वो आप नहीं कर सकते हो। अगर आपको वो करना है तो मतलब और भी हाईफाई प्लान लेना पड़ेगा 700-800 हज़ार रुपये का। तो नेटफ्लिक्स जो है वो महंगा है, लेकिन इसके ऊपर बहुत अच्छी अच्छी सीरीज़ आती हैं। तो अब क्या करें, इतना महंगा है कैसे खरीदें? तो मैं आपको बताता हूँ कि यार, पूरा साल अगर आप इसको ख़रीदते हो मोबाइल वाला प्लान, तो 200 रुपये का महीना यानी कि पूरे साल का हो गया 2400 रुपये। तो 2400 रुपये यार मैं तो खर्च नहीं कर सकता, और ना ही मैं रिकमेंड करूँगा कि कोई खर्च करे अगर उसके पास नहीं है इतने पैसे। तो इसका सोल्यूशन ये है, मैं जो करता हूँ कि 199 रुपीज़ का प्लान बाय करता हूँ, और मतलब जो भी सीरीज़ मुझे देखनी होती है एक महीने में देख के मैं उस प्लान को कैंसिल कर देता हूँ, और फिर 3-4 महीने मैं गैप ले लेता हूँ, उसको नहीं देखता हूँ। तो इस तरीके से मैं फिर उसको बाय कर लेता हूँ जब कुछ नई सीरीज़ आती है। तो वो सीरीज़ जो आती है वो वहीं रहती है, कोई जाने वाली नहीं है, तो उसको फिर देख लिया और फिर इसी तरह से 3-4 महीने स्किप कर दिया। तो मतलब पूरे साल में मैं 2 या मैक्सिमम कभी-कभी 3 बार उस प्लान को बाय करता हूँ और नेटफ्लिक्स का सारा कंटेंट कंज्यूम करता हूँ। तो आप भी ये कर सकते हो। और एक टिप मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा, जिससे कि अगर आपको सारे प्लेटफॉर्म्स एक साथ चाहिए कम से कम पैसे में, कम से कम खर्चे में, तो उसके ऊपर भी मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ आपको। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना, और अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दो। तो आप सोच रहे होंगे कि पूरे साल में मैं सिर्फ 2 ही महीने नेटफ्लिक्स यूज़ करता हूँ, और उसके बीच में क्या करता हूँ? उसके बीच में मैं अमेजोन प्राइम देखता हूँ। अब बात करने वाला हूँ उसी की, मेरा फेवरेट है और मैं रिकमेंड भी करूँगा कि उसको बाय कर सकते हो आप। अमेजोन प्राइम का जो बेस प्लान है वो 129 रुपीज़ का है मंथली, और ईयरली जो प्लान है वो है 999 का। तो मैं 999 का ही प्लान यूज़ करता हूँ। इसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं और सस्ता भी पड़ता है, लगभग 80 रुपये महीना पड़ता है। और इसकी खासियत यह है कि इसको 4 या 5 स्क्रीन में इस्तेमाल कर सकते हैं, TV, लैपटॉप या कहीं भी देख सकते हो। तो हम 3 या 4 दोस्त मिलके बाय कर लेते हैं, और 200-200 रुपये या 300 रुपये एक जने का खर्च होता है पूरे साल का। इसके साथ जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो ये हैं कि फ्री डिलीवरी मिलती है अमेजोन से कुछ भी अगर हम प्रोडक्ट बाय करते हैं, और अमेजोन म्यूज़िक का भी आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है। और वेब सीरीज़ की बात करूँ तो इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी वेब सीरीज़ आती रहती हैं। सबसे ज़्यादा फेवरेट तो है मिर्ज़ापुर, जो कि अभी रिसेंटली मैंने देखी है, और मूवीज़ भी इस पर लगभग आती रहती हैं लॉकडाउन के बाद, मतलब इन्हीं OTT प्लेटफॉर्म पर मूवीज़ आ रही हैं। तो मेरे हिसाब से 999 का प्लान बुरा नहीं है, और इसकी खासियत यह है कि अगर हम इसको नई ID से ख़रीदते हैं तो शायद 30 डे का ट्रायल भी मिल जाता है, तो 1 साल से 1 महीना एक्स्ट्रा मिलता है, तो वो भी अच्छी बात है। तो जो 1 मंथ का जो ट्रायल है वो कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है। उसका जो लिंक है 1 मंथ के ट्रायल का, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर वो होगा अवेलेबल तो आप जाके अभी चेक कर सकते हो, उसको बाय कर सकते हो, नहीं तो 12 महीने भी बहुत हैं तो हमारा काम चल जाता है उससे। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ Z5 की, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट नहीं है, और मतलब मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि Z5
में कुछ ज़्यादा अच्छा कंटेंट है देखने लायक, लेकिन फिर भी उनकी अच्छी बात यह है कि उन्होंने चार प्लान निकाल रखे हैं। 99 रुपीज़ का एक प्लान है जो कि मंथली प्लान है, और एक प्लान है 3 मंथ का, और एक प्लान है 6 मंथ का, और एक प्लान है ईयरली जो कि 1000 रुपये का है, जो कि शायद मुझे लगता है कि मैं मतलब बाय ना ही करूं कभी, क्योंकि इतना कुछ खास उसमें मुझे लगा नहीं। बट अगर आपको Z5 देखना ही है कि Z5 में क्या है एक्चुअली, या फिर ऐसी कोई मूवी या सीरीज़ है जो उसी में अवेलेबल है, तो आप ऐसा कर सकते हो जैसे नेटफ्लिक्स के साथ हम करते हैं, 99 रुपीज़ का बाय करो और फिर उसको आप कैंसिल कर सकते हो सिर्फ 30 डेज देख करके, और साल में मुझे नहीं लगता कि 2 बार से ज़्यादा खरीदना पड़ेगा। तो नेटफ्लिक्स के साथ साथ आप Z5 के साथ भी ऐसा ही कर सकते हो और उसकी सीरीज़ भी देख सकते हो, और Amazon प्राइम तो पूरे साल आपको मिलने ही वाला है। और अब मैं बात करने वाला हूँ लास्ट में डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP की। अब मैं बात करूँ इसकी तो ये 399 रुपीज़ का है और पूरे एक साल के लिए मिल जाता है। अब ये IPL के चक्कर में मतलब सबको खरीदना पड़ा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि कुछ मूवीज़ भी हैं जो इस पे मतलब रिसेंटली लॉकडाउन में आई हैं या अब आएंगी, तो बुरा नहीं है, क्योंकि अगर 399 में आपने इसको बाय करा IPL देखने के लिए, तो नेक्स्ट ईयर की IPL भी आप देख पाओगे, और मतलब 2021 की, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन इसको कभी भी डायरेक्टली बाय मत करना 399 रुपीज़ का। आप रिचार्ज तो करते ही हो अपने फ़ोन में, अगर आपके पास जियो है तो लगभग 399 का ही प्लान है ये, और 399 का ही रिचार्ज अगर आप कर लेते हो अपने मोबाइल में एक महीने के लिए, तो ये प्लान आपको पूरे साल के लिए फ्री मिल जाता है। तो आपका रिचार्ज का पैसा बच जाता है जो कि होता है लगभग 150 रुपये, तो शायद आपके यहाँ पे पैसे बच जाते हैं और पूरे साल का आपको मिल जाता है हॉटस्टार। और अगर आपके पास में जियो नहीं है, एयरटेल या फिर कुछ और है, तो उसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि मोबाइल प्रीपेड रिचार्ज के साथ आपको कैसे बेनिफिट्स मिल सकते हैं इन OTT प्लेटफॉर्म के। मतलब फ्री तो नहीं, मतलब फिर भी कम पैसे में, मतलब फ्री होता है लेकिन फिर भी उसके अंदर कॉस्ट इंक्लूड होती है, तो वो वीडियो आप देख सकते हो, मैं बना चुका हूँ। और अगर आप पोस्टपेड बाय कर सकते हो या फिर करना ही चाहिए, मतलब सस्ता है बहुत, और उसमें क्या होता है कि आपको सारे प्लेटफॉर्म फ्री मिल जाते हैं आजकल OTT, तो उसके ऊपर भी आपको वीडियो मैं बना के दे चुका हूँ पहले, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे जो वीडियोस आपको हेल्प कर सकती हैं, और आई बटन में भी मैं छोड़ दूंगा। तो मैंने आपको बताया अपना प्लान कि मैं कैसे पूरा साल सारे ही OTT प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ, Z5 और नेटफ्लिक्स कभी कभी बाय करता हूँ महीने में, साल में 1, 2 या 3 बार मैक्सिमम, और Amazon प्राइम मेरा चलता रहता है। हॉटस्टार IPL के चक्कर में लिया था तो कुछ खास उसमें है नहीं, लेकिन फिर भी नेक्स्ट ईयर IPL उसमें देख लेंगे, और बाकी सब आपके सामने ही है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और मुझे Instagram पे फॉलो भी कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।